Hi friends, this is Taukeer Alam here. Today we are going to translate a story. Friends, आज के इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि ट्रिक से कैसे ट्रांसलेट करना है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अंग्रेजी ट्रिक से पढ़ाता हूँ और मैंने दो ऐसा ट्रिक बनाया है जिसके सहारे आप बड़े आसानी से हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो चलिए फिर आज एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करें ताकि शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलने में आप कहीं पीछे न रह जाएं. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, आज का स्टोरी का सबसे पहला सेंटेंस है, अ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर बाइंग अ ब्यूटीफुल काउ फ्रॉम द फेयर. इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. कैसे करेंगे फ्रेंड्स, खुद देख लीजिए. जो वर्ड सबसे पहले होगा उसका हिंदी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पीछे चलेंगे और एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे. अ फार्मर यानी एक किसान. जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा. आइए पीछे चलते हैं. द फेयर यानी मेला या मेले. फ्रॉम हिंदी में कहते हैं से. अ ब्यूटीफुल काउ यानी एक सुंदर गाय. अब आप सोचेंगे कि मैंने ये तीन वर्ड को एक साथ जोड़कर क्यों लिखा, अकेले अकेले क्यों नहीं लिखा. यानी सबसे पहले मुझे काउ का हिंदी लिखना चाहिए, उसके बाद ब्यूटीफुल का. मैं कहूंगा फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ट्रांसलेशन का ट्रिक बताया कि जब किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल हो तो हम उसको एक साथ लिखते हैं. फ्रेंड्स, इस ट्रिक के कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी अपवाद हैं, जिसे मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं. उम्मीद है कि आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको वो एक्सेप्शन पता है. बाय गॉड, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि यह ट्रिक क्या है. अगर आप मेरे वीडियोस डेली देखते हैं तो फिर आपको यह बात बताने की जरूरत नहीं है. अ ब्यूटीफुल काउ एक सुंदर गाय. बाइंग यानी खरीदना. आफ्टर का मतलब होता है के बाद में या के बाद. होम मींस घर. और रिटर्न का मतलब होता है, लेकिन अगर रिटर्निंग लिखा हो तो उसका हिंदी रहा रही में होता है. और यहाँ लिखा है वॉज, इसका हिंदी होगा था. तो वाज रिटर्निंग का हिंदी होगा लौट रहा था. रिटर्निंग मींस लौट रहा और वाज का मतलब था. अ फार्मर वाज रिटर्निंग होम आफ्टर बाइंग अ ब्यूटीफुल काउ फ्रॉम द फेयर. एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीदने के बाद घर लौट रहा था. और ये ट्रांसलेट हुआ. आइए फ्रेंड्स अब दूसरे लाइन को ट्रांसलेट करते हैं. He found a ducat on the way. He यानी वह या उसे. On the way का मतलब होता है रास्ते में. A ducat यानी एक डाकू. और found का मतलब होता है मिला, गुजरी हुई बात है. He found a ducat on the way. उसे रास्ते में एक डाकू मिला. और मैंने यहाँ तक ट्रांसलेट कर दिया. आइए अब इसको ट्रांसलेट करें. He had a black jack. इसको कैसे करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले होगा उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, जो वर्ड दूसरे नंबर पर होगा उसका अंग्रेजी हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे, और जो वर्ड लास्ट में होगा और जो भी वर्ड्स लास्ट में होंगे उनकी अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे. चलिए करके देखते हैं. He means उसे. अब ब्लैक जैक का मतलब होता है एक लाठी, और हैड का मतलब होता है पास था या रखता था. उसे एक लाठी था. इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसके पास एक लाठी था. उसके पास एक लाठी था या उसे एक लाठी था या वह एक लाठी रखता था, ये तीनों एक ही बात है, बस कहने का अंदाज अलग है. तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, He had a black jack. आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं. हो सकता है आप सोचें कि मैंने इसे अलग तरीके से ट्रांसलेट किया और इसे अलग तरीके से, ऐसा क्यों? जैसा कि आपने देखा मैंने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया, जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया,
और यहां पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है जिसकी मदद से अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस को बड़े आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप अंग्रेजी में एक्सपर्ट होंगे। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह ट्रिक कब यूज होगा तो आप पार्ट 1 से लेकर 5 तक मैंने इस ट्रिक को बताया है और पार्ट 6 से लेकर 10 तक मैंने इस ट्रिक को बताया हुआ है। तो अगर आप पार्ट 1 से लेकर 10 तक देखें तो बड़े आसान तरीके से आप दोनों ट्रिक के बारे में जानेंगे और आप सभी टेंस को भी पढ़ लेंगे। आइए फ्रेंड्स अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ, सीइंग का मतलब होता है देखते हुए और अ ब्यूटीफुल काउ का मतलब होता है एक सुंदर गाय। सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ यानी सुंदर गाय को देखकर, हम लिखेंगे सुंदर गाय, यहां कॉमा है आप भी दे दीजिए। फ्रेंड्स आप सोचेंगे सीइंग क्यों, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स जब कहना हो शेर को देखकर या शेर को देखते हुए, खाना खाकर या खाना खाते हुए, काम करके या काम करते हुए, इस तरह के सेंटेंसेस को हम वर्ब में आईएनजी के साथ बोलते हैं और कई बार इस तरह के सेंटेंसेस को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से भी बोला जाता है। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज रहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ, सुंदर गाय को देखकर, यहां लिखा हुआ है द कैट्स माइंड फिल्ड विद ग्रीड, हम लिखेंगे डाकू का मन, डकैत को डाकू, अपोस्ट्रोफी एस का क्या, यहां आपको अपोस्ट्रोफी एस दिखेगा उसका हिंदी होता है का और माइंड को कहते हैं मन, डाकू का मन। पीछे आइए, ग्रीड यानी लालच से, डकैत्स माइंड फिल्ड विद ग्रीड, डाकू का मन लालच से भर गया। सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ, डकैत्स माइंड फिल्ड विद ग्रीड, सुंदर गाय को देखकर डाकू का मन लालच से भर गया। आइए फ्रेंड्स इस स्टोरी के और भी सेंटेंसेस देखते हैं। The dacoit spoke to the farmer threatening. चलिए फ्रेंड्स इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। Threatening यानी धमकाते हुए, the farmer यानी किसान, spoke to का मतलब होता है से बोला, to के लिए यहां लिखेंगे से और spoke का मतलब होता है बोला। The dacoit spoke to the farmer, डाकू धमकाते हुए किसान से बोला। कैसे ट्रांसलेट किया, जो वर्ड सबसे पहले था उसका अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर गया। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसे ट्रांसलेट करने का तरीका है, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी एक नंबर और जो वर्ड दूसरे नंबर पर है उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर और उसके बाद जो भी वर्ड्स हैं उसका अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, जिसको कहेंगे यह माय काउ यानी मेरी गाय और इट का हिंदी होता है दिस इज माय काउ या मेरी गाय है, यहाँ फुल स्टॉप है आप भी दीजिए। लीव इट यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज रहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आसानी से जान पाएंगे। एंड यानी और, यू गो आउट यानी तुम चलते बनो, यू मीन्स तुम या आप और गो आउट का मतलब होता है कि दफा हो चले जाओ, यू गो आउट तुम चलते बनो। दिस इज माय काउ या मेरी गाय है, लीव इट इसे छोड़ दो, एंड और यू गो आउट तुम चलते बनो या तुम यहां से दूर चले जाओ। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। द फार्मर वॉज अफ्रेड ऑफ द डकैत, यहां फुल स्टॉप पे इसलिए हम यहीं तक ट्रांसलेट करेंगे। द फार्मर हम लिखेंगे किसान, पीछे आइए द डकैत यानी डाकू,
और अफ्रेडा का मतलब होता है से डरना, लेकिन आपको यहाँ वॉच दिख रहा है, इसका मतलब यह बात गुजर चुकी है, तो हम लिखेंगे से डर गया। और यह बात कंप्लीट हुआ, द फार्मर वॉज अफ्रेड ऑफ द डकैत, किसान डाकू से डर गया। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है ही यानी वह, पीछे आइए द डकैत यानी डाकू, टू यानी को, कई बार टू का हिंदी को भी होता है, द काउ यानी गाय, और हैंडओवर का मतलब होता है दे देना या सौंप देना, लेकिन यहां पर सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है हैंडेड ओवर, इसका मतलब दे दिया या सौंप दिया, तो आप लिखेंगे सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर द काउ टू द डकैत, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा वह डाकू को गाय सौंप दिया, यानी वह डाकू को गाय दे दिया। आइए फ्रेंड्स अब इस कहानी को खत्म करें। इन द फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों में, द फार्मर स्पोक, किसान बोला। जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर गया। हो सकता है फ्रेंड्स आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हों। आप कंफ्यूज तभी हो सकते हैं अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि एक स्टोरी को ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या बातें जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसे जरूर देखिए, ताकि आपको यह स्टोरी समझ में आ सके, और आने वाले दिन में मैं जो स्टोरी आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊं आप उसे समझ सकें। मैंने इस वीडियो में रूल्स बताए हैं। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यू हैव टेकन द अर्निंग ऑफ माई होल लाइफ, सबसे पहले लिखा है यू यानी तुम या तुमने, पीछे आइए माई होल लाइफ यानी मेरी पूरी जीवन, यहां पे लिखा है ऑफ, हिंदी में कहेंगे कि, और द अर्निंग का मतलब होता है कमाई, हैव टेकन का मतलब होता है ले लिया है या ले चुके हो, और मैंने इस वीडियो में आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, Shall have plus third form और will have plus third form का यूज बताया, यानी मैंने आपको बताया कि have taken या has taken का मतलब होता है ले लिया है। अगर लिखा हो had taken, ले लिया था या ले चुका था, यानी मैंने आपको यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस सिखाया जब हम कहते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, तो have taken का मतलब होता है ले लिया है। यू हैव टेकन द अर्निंग ऑफ माई होल लाइफ, तुमने मेरी पूरी जीवन की कमाई ले लिया है। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें। आई एम सो वीक, कैसे करेंगे, जो वर्ड सबसे पहले होगा उसका अंग्रेजी सबसे पहले, और जो वर्ड दूसरे नंबर पर होगा उसका अंग्रेजी हम तीसरे नंबर पर लिख, और उसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे उसका अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। आई को हिंदी में कहेंगे मैं, सो वीक यानी इतना कमजोर, और एम को हिंदी में कहते हैं हूं, आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूं, दैट यानी कि, आई कांट इवन वॉक, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए। ये दो ट्रिक है फ्रेंड्स, एक ये और दूसरा ये, इसी के सहारे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, चाहे हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या फिर इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो। आई को हिंदी में कहेंगे मैं, पीछे आइए वॉक चलना या चल, इवन मतलब भी, और कांट का मतलब नहीं प्लस सकता है,
यानी कैन का मतलब सकता है और नॉट का मतलब नहीं, तो हम लिखेंगे सकता हूँ, नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये कांट शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, फुल फॉर्म में लिखा जाता है कैन नॉट। तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, मैंने इवन तक ट्रांसलेट किया भी, और नॉट के लिए हम लिखेंगे नहीं, और कैन का हिंदी होता है सकता हूं या सकता है, मैं चल भी नहीं सकता हूं। आइए फ्रेंड्स अब इस स्टोरी को खत्म करते हैं। गिव मी योर ब्लैक जैक, अपना डंडा मुझे दे दो, कैसे ये ट्रांसलेट होगा? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है, यानी जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, जिसे हम सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो छिपा होता है। इसलिए चूंकि यहां पहला वर्ड छिपा हुआ है, हम डायरेक्ट पीछे जाएंगे और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। फ्रेंड्स अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंफ्यूज रहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, यहां मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिटेल से बताया है। यू ब्लैक जैक यानी अपना लाठी, मी को कहते हैं मुझे, और गिव मी होता है देना, तो हम लिखेंगे दे दो या दो। गिव मी योर ब्लैक जैक, अपना लाठी मुझे दे दो। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द डकैत यानी डाकू। हो सकता है फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये द कहां से आ गया, या कैसे पता चलेगा कि हमें कब द का यूज करना है और कब द का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे देखिए, यहां आपको पता चलेगा कि द का यूज क्या है और कब हमें द का यूज करना चाहिए और कब हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। पीछे आइए, द फार्मर यानी किसान, जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका हिंदी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे गया और पीछे से एक एक वर्ड का हिंदी लिखते हुए आगे की ओर आऊंगा। ऑफ को हिंदी में कहते हैं कि, आगे लिखा है द पॉइंट। द पॉइंट का मतलब होता है बात, मुद्दा, मकसद, इरादा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बात। और एडमिटेड टू का मतलब होता है मान लिया, गुजरी हुई बात है, इसलिए आप यहाँ सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं, डाकू किसान की बात मान लिया, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। एंड यानी और, ही गिव द ब्लैक जैक, जो वर्ड सबसे पहले है उसका हिंदी सबसे पहले लिखेगा, फिर पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर आएंगे। ही मींस वह, द ब्लैक जैक यानी लाठी, और गिव मींस दे दिया, एंड ही गिव द ब्लैक जैक, और वह लाठी दे दिया। देन यानी फिर, द फार्मर यानी किसान, जो वर्ड सबसे पहले था उसका हिंदी मैंने लिखा किसान, अब हम पीछे चलेंगे और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। द ब्लैक जैक यानी लाठी, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का की के, यानी हम लिखेंगे के। हेल्प को हम हिंदी में कहते हैं मदद, बाई को हम कहते हैं से, और आ गया ये द काऊ यानी गाय, बैक यानी वापस, टुक यानी लिया या ले लिया। द फार्मर टुक बैक द काऊ बाय द हेल्प ऑफ द ब्लैक जैक, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, फिर किसान लाठी के मदद से गाय वापस ले लिया। कैसे ट्रांसलेट हुआ फ्रेंड्स, जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए मैं आगे की ओर आया, और ये ट्रांसलेट हो चुका है। आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना आसान होता है हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, या इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना। अगर आप इसे शानदार तरीके से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ रूल्स बताया, उसे जरूर देखिए, तभी आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको लगे कि मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन को बेहद आसान कर दिया तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं आपके लिए रोज एक नया लेसन लेकर आ सकूं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।